पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। अर्थात बस और जो सीटें थी वो आपस में किसी का कहना नहीं मान रही थी। सविनय अवज्ञा, बिना विनय पूर्वक किसी की अवज्ञा करना, कहना ना मानना, कि कभी ऐसा लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर जा रही है और कभी लगता था कि बॉडी सीट को छोड़कर के भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अचानक क्या हुआ? बस रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें क्या हो गया था, छेद हो गया था। और ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल को बाल्टी में निकाल करके उसे बगल में रख लिया, अर्थात साइड में रख लिया, और उसे नली डालकर इंजन में भेजने लगा। किसको? पेट्रोल को। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। किस तरह से? जैसे माँ बच्चे को मुँह में दूध की शीशी लगाती है, उसी तरह से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था, अर्थात किसी भी हिस्से पर, किसी भी भाग पर विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, अर्थात बस का ब्रेक भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग भी टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि जो भी पेड़ आता ऐसा लगता था कि बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अर्थात अचानक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें कोशिश की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, अर्थात जो कंपनी का पार्टनर था वो कह रहा था कि बस फर्स्ट क्लास है, अर्थात ऐसी कंडीशन में भी बस उसको फर्स्ट क्लास लग रही थी। जी हाँ, यह तो इत्तेफाक की बात है, अर्थात संयोग की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण अर्थात कमज़ोर चांदनी, चंद्रमा की रोशनी में वृक्षों की छाया, अर्थात पेड़ों की छाया के नीचे जो बस थी वो दयनीय लग रही थी, अर्थात दया के योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत, अर्थात इसके प्राणों का अंत हो गया होता तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और भी कम हो गई थी। अब जो बस चली तो अब उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, ढूंढकर, टटोलना अर्थात ढूंढना। आगे या पीछे कोई भी गाड़ी दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे ही कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गया, अर्थात जो बस थी ज़ोर से हिलकर के रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार जो पार्टनर था उसकी तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, अर्थात भक्तिपूर्ण भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर के इस बस से सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे।
उत्सर्ग अर्थात त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते। किसका इंतज़ार करते और कहते? बस के हिस्सेदार साहब का। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर, मतलब उसके बावजूद भी उसने दूसरा जो टायर लगाया वो घिसा हुआ लगाया, बस फिर चली। अब हमने वक्त पर घर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद अर्थात आशा। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण जाना है, अर्थात तो उस लोक को जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी ख़त्म हो गए। हम सब इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, अर्थात उस बस के अंदर हम आराम से जिस तरह से घर में बैठते हैं उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही और आपस में हंसी मजाक चालू हो गया। गुड बाय, बाय बाय।